फ्रेंड्स, आइसर मोटर के नतीजे बाजार शुरू था तभी आ गए थे और शेयर पर इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। और उसकी वजह के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू में तो बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली, मगर प्रॉफिट में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा पाई थी। और उसकी वजह की बात करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाना और इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट वगैरह बढ़ जाने की वजह से प्रॉफिट में बहुत अच्छा जम नहीं देखने को मिला और इसी वजह से शेयर पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, पिछले साल से अगर इस रिजल्ट को कंपेयर करें तो पिछले साल 2350 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर से कमाई थी, वो लगभग 20% बढ़कर 2809 करोड़ रहे। और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 2371 करोड़ से बढ़कर 2828 करोड़, यानी कि 20% से ज़्यादा की ग्रोथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखने को मिली। तो ये ग्रोथ तो बहुत ही शानदार ही माननी चाहिए, मगर फ्रेंड्स प्रॉफिट आप यहां देख सकते हो, जो पिछले साल 498 करोड़ के आसपास था वो इस साल लगभग हल्का सा बढ़कर 532 करोड़ रहा। तो प्रॉफिट में 10% की भी ग्रोथ नहीं दिखा पाई, इसी वजह से शेयर पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अभी तो ये शेयर बहुत ही हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है, मगर ये अगर हमें नीचे के लेवल से मिलता है तो डेफिनेटली इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं।